क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड टी इज इक्वल टू जीरो विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री टी इज इक्वल टू 1 सेकंड इज आर, वैल्यू ऑफ आर फाइंड करना है। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में जेई में आया हुआ है। सो क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, इसको हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हमें फाइंड करना है। सो पहले तो हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट देख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू साइन 60 इज रूट 3/2, 2 से 2, 10 से 10, दैट इज इक्वल टू 1.73 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। रूट 3 की वैल्यू है 1.73 सेकंड, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, पूरी एयर में रहा है 1.73 सेकंड। सो जब 1 सेकंड की वैल्यू आई, इसका मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। सो पार्टिकल नीचे जा रहा है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि अगर इसको सर्कुलर मोशन माना जाए तो इसका जो सेंटर होगा, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली डाउन एक्ट कर रही है जी, सो ये वाला एंगल थीटा है, अगर इसको थीटा कहें तो ये वाला एंगल थीटा होगा, सो यहाँ पे आ जाएगा जी कॉस थीटा। सो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी वी स्क्वायर ओवर आर, आर इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो हमने फाइंड करना है कि अगर पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर मोशन में चले तो ये उसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आर हो तो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज़ वी स्क्वायर ओवर आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस टाइम कौन दे रहा है, दैट इज़ गिवन बाय जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, सो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी कॉस थीटा। सो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमें आर फाइंड करना है, आर के लिए हमें इस पॉइंट पे टी इज इक्वल टू 1.73 सेकंड पे कंप्लीट नीचे आ जाता है, 1 सेकंड में पार्टिकल नीचे आ रहा है, इस पार्टिकल पे हमें इसका पहले तो ये थीटा फाइंड करना है। इनिशियल एंगल जो फायर किया गया 60 डिग्री है और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये हमें दिया हुआ है। नई तरह का क्वेश्चन है, नई चीज़ हमें पता चल रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन सर्कुलर मोशन, मतलब अगर पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर मोशन में जाए तो जो सेंट्रीपिटल जो हमारी एक्सेलरेशन होती है दैट इज़ वी स्क्वायर बाय आर, वो हम आगे सर्कुलर मोशन में करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला ड्राइव करना, इसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस टाइम उस पार्टिकल को कौन दे रहा है, अगर जी अगर नीचे एक्ट कर रहा है वर्टिकल, अगर जी यहाँ पे वर्टिकली एक्ट कर रहा है तो जी कॉस थीटा इस तरफ होगा बिकॉज ग्रेविटी हमेशा इस तरफ है, और ये जो इस साइड जो है पार्टिकल जो अगर दिस इज़ वी एक्स देन ये जो V की लाइन है तो वी एक्स और V जितना एंगल बना रहे हैं तो G हमेशा इसके सेंटर की तरफ जाएगा, सो इस तरफ आ जाएगा G cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी उस टाइम थीटा होगा, सो G cos थीटा इस तरफ एक्ट करेगा। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय G cos थीटा। अब हमें फाइंड क्या क्या करना रह गया, इस पॉइंट पे T इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है और ये थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो थीटा तो हमें पता है, टेन थीटा किसी भी पॉइंट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी वाई बाय वी एक्स। अब हमें वी वाई एंड वी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉम्पोनेंट हमेशा सेम रहेगा दैट इज इक्वल टू यू कॉस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू यू बाई टू दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, एक्स हमें पता चल गया। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी दैट इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, यू वाई मीन्स यू साइन 60 माइनस जी की वैल्यू टी इंटू 1, यू हमारा है 10 इंटू रूट 3/2 माइनस 10, ये हमारा आ गया 5 रूट 3 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू यू वाई बाई यू एक्स 5 रूट 3 माइनस 10 अपॉन 5, इसका मतलब है रूट 3 माइनस 2 tan थीटा, ये आप देख सकते हैं tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, टेन थीटा की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, टेन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो ये होती है 2 माइनस रूट 3, सो ये माइनस 15 है, मतलब पार्टिकल नीचे जा रहा है, इसलिए जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ नेगेटिव बन रहा है, सो माइनस 15। और अब यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ, v, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स क्या है हमारा 5 स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें 5 रूट 3 माइनस 10 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इंटू 3 प्लस 100
माइनस 2 इंटू 5 रूट 3 इंटू 10, ये हमारी आ गई वेलोसिटी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दिस विल बिकम 100, इन दोनों को ऐड कर दें, 100 प्लस 100 माइनस 2 टाइम्स 100 रूट 3, ये वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। हम अगर इसमें रे आर रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये वैल्यू पुट कर देंगे इसका स्क्वायर, सो दिस इज 200 माइनस 100 रूट 3 डिवाइडेड बाय जी 10 इंटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा। अब ये टेन थीटा था, टेन थीटा हमारा 15 डिग्री आ गया था, कॉस में माइनस, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोर्स कॉस पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ दैट विल बिकम 20 माइनस 10 रूट 3 डिवाइडेड बाय कॉस 15, इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लगा दें, सो देन इट विल बिकम 20 माइनस 10 इंटू 1.73 ओवर कॉस 15, दैट इज इक्वल टू 0.97। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी कॉस 15 की 0.97, इसको मैंने सॉल्व कर लिया 2.7, दिस इज इक्वल टू 2.78। सो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये कितना होगा इस पॉइंट पे, आर इज इक्वल टू 2.78 मीटर, और इसमें कौन सा आंसर है, सी इज़ द आंसर 2.8 मीटर। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था सेंट्रीपिटल, जो क्योंकि पार्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर उसने पूछा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल के ऊपर कितनी होगी, वेलोसिटी वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा कौन, देगा ये जी का कॉम्पोनेंट, जी वर्टिकली डाउन है, वेलोसिटी इस साइड है, वेलोसिटी का जो एंगल है थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और जी उसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल होगा, थीटा होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, सो जी हॉरिजॉन्टल के नॉर्मल है, वर्टिकल है, और ये वाला जो है ये अंदर एक्ट कर रहा है जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा हमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देगा, जी कॉस थीटा, और आर कितना आ जाएगा हमारा, वी स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा। वी क्या है उस टाइम की वेलोसिटी है, थीटा क्या है उस टाइम कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा वो एंगल है, हमने टेन थीटा में पता कैलकुलेट करना है, वी वाई बाय वी एक्स, वी एक्स हमारा कितना चल रहा है, वी एक्स हमारा कॉन्स्टेंट रहता है दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी वाई हमारा होता है यू वाई माइनस जी टी, यू वाई माइनस जी टी की वैल्यू हमने निकाल ली, टेन थीटा हमें पता चल गया, टेन 15 डिग्री की वैल्यू होती है, 2 माइनस रूट 3 ये माइनस 15 है, इसका मतलब पार्टिकल नीचे जा रहा है, हमें पहले ही पता था टाइम ऑफ फ्लाइट से। वेलोसिटी कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यहाँ से वेलोसिटी आ गई, और उसके बाद हमने यहाँ से जो है, यहाँ से हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, यहाँ से हमारा आ गया 2.78 मीटर, इज 2.8 मीटर इसका आंसर है। सो ये अलग टाइप का क्वेश्चन था जो कि नॉर्मल हम नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये ध्यान रखना पाई बाय 3 है, क्योंकि कई बुक्स में ये गलती से पाई बाय 4 मिस प्रिंट हुआ हुआ है, एक्चुअल क्वेश्चन मैंने जो वेरीफाई किया है वो जेई मेन्स 2020 के पेपर में पाई बाय 3 है। विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस व्हेन इट हैज़ रीच्ड इट मैक्सिमम हाइट इट कोलाइड्स इन इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड वेलोसिटी यू इनटू आई कैप, मतलब वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रीच्ड बाय दिस कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग ग्राउंड इज, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है जिसको हमने ऐसे फायर किया नीचे से वी यू वेलोसिटी से एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री से पाई बाय 3 से फायर किया हमने, और ये यू वेलोसिटी है इसकी, यू से फायर किया हमने, यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा है पार्टिकल, लेट अस से दिस इज मैक्सिमम हाइट एच, तो यहाँ पे एक और पार्टिकल है जो कि इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप के साथ इस साइड जा रहा है, यहाँ पे इसके साथ ये कंबाइन किया है, और ये कंबाइन मास यहाँ से कितना दूर जाके गिरेगा ये हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रीच्ड बाय दिस पार्टिकल यहाँ से फाइंड करना है कंबाइंड बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कंबाइंड पार्टिकल ये हमें फाइंड करना है। सो ये बड़ा ही बेसिक सा डायग्राम मैंने तैयार किया, जब भी आपको क्वेश्चन आए प्रोजेक्टाइल मोशन का या किसी भी चीज़ का फिजिक्स में,
तो आपने एक बेसिक डायग्राम उसका ज़रूर ड्रॉ कर लेना है। सो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, दैट इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो अगर पार्टिकल 60 डिग्री से फायर है हुआ है देन इट विल बिकम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 मीन्स 3/4। सो दिस विल बिकम 3u² / 8g। सो ये उसकी हाइट है। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, यहाँ पे भी इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी इस तरफ है। सो मोमेंटम इन इन इलास्टिक कोलिजन इज ऑल्सो कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन हम आगे जाके कोलिजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, फर्स्ट का मोमेंटम जो ये वाला पार्टिकल है यहाँ से चला है यू इंटू आई कैप प्लस सेकेंड का मोमेंटम उसकी भी डायरेक्शन सेम है, दिस इज इक्वल टू दोनों पार्टिकल कंबाइन होके इनटू इनकी वेलोसिटी इनटू आई कैप। पार्टिकल फिर उस डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो जा रहा है दैट इज़ एम यू एक्स इंटू आई कैप प्लस दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी एम इंटू यू इंटू आई इज इक्वल टू दोनों का मास कंबाइन हो गया इंटू वी वेलोसिटी। पार्टिकल अभी भी इधर जा रहा है एम इंटू यू एक्स, यू एक्स हमारा कितना है, एक्स कॉम्पोनेंट इज यू कॉस 60, कॉस 60 होता है साइन 30 के बराबर इज इक्वल टू यू बाई 2 इंटू यू बाई 2 प्लस एम इंटू यू इज इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू वी। सो यहाँ से हमारा v कितना आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, सो दैट इज़ इक्वल टू 3u/2 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 3/4 इंटू यू। सो ये हमारी वेलोसिटी आ गई u, ये हमारी वर्टिकल वेलोसिटी अब कितनी हो गई, दैट इज़ इक्वल टू 3/4 इंटू यू, ये हमारी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। अब इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हमने रेंज फाइंड करनी है, सो रेंज इज़ इक्वल टू ये हमारा वेलोसिटी इनटू दिस इनटू टाइम, एंड टाइम कितना आ जाएगा हमारा, टाइम इज गिवन बाय अगर हम इसको h, इसने h डिस्टेंस ट्रेवल करना है, h इज इक्वल टू यू इनटू वाई इनटू टी प्लस हाफ इनटू a इनटू वाई इनटू टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी y की डायरेक्शन में है 0 दैट इज इक्वल टू h प्लस हाफ इनटू a y इज इक्वल टू g इंटू टी स्क्वायर, सो टी इज इक्वल टू 2h/g अंडर द रूट। सो रेंज इज इक्वल टू वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम हमारा कितना है दैट इज इक्वल टू वी इंटू टाइम इज 2h/g स्क्वायर रूट। अगर हम वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इंटू यू इंटू रूट 2 अपॉन रूट जी इंटू रूट एच, एच की वैल्यू हमारी है ये दैट विल बिकम √3 अपॉन √8g इंटू यू। सो ये हमने h √h की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, सो ये हमारी आ गई रेंज और यही हमारा आंसर है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये हमारा बन जाएगा 3√3 इंटू यू स्क्वायर, नीचे g आ गया एक g, एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3√3 इंटू ये हमारा 8 हो गया 2√2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे 8 आ गया। आई होप आई एम क्लियर, ये हमारा सॉल्व हो गया 3√3 ओवर यू स्क्वायर ओवर 8g, हमारा ये आंसर है, दैट इज़ द आंसर। सो हमने बड़ा ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया क्वेश्चन, ये हमने यू कॉस थीटा ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे यू कॉस थीटा ही रहेगा दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा यू बाई 2, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी जो ऐड हुई है एम यू, दोनों पार्टिकल का मास कंबाइन होके नेट वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी हमारी कितनी होगी 3/4 इंटू यू, 3/4 इंटू यू से इसने अब ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस जो है नीचे आना है। सो हाइट कितनी है h, h इज इक्वल टू h हमने पहले निकाल लिया था दैट इज इक्वल टू 3u² / 8g, एच इसने ट्रेवल करना है वर्टिकल कंपोनेंट, y इसका 0 है इनिशियल वेलोसिटी का क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू को हमने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया r इज इक्वल टू वी टी में। सो यहाँ से हमारा आ गया v की वैल्यू हमारी है, v की वैल्यू हमने निकाल ली हुई 3/4 इंटू यू इंटू 2/g, हमने √2/g अलग कर दिया, यहाँ से हमारा √3/√8g, इसको हमने रूट को अलग निकाल लिया यू, सो यहाँ से 3√3 वैसे आंसर एक में ही है, इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया 3√3u² / 8 इंटू जी, सो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया है। सो फ्रेंड्स प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने जितने क्वेश्चन करवाने थे मैंने करवाए आपको, एडवांस के भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको, मेंस के भी क्वेश्चन कराए हैं और बेसिक्स भी मैंने सारे कवर कर लिए। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल दिखा दिया अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया गया है, अगर किसी एंगल पे फायर किया गया है, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे फायर किया गया है, मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज़ कवर कर दी है, तीनों के जो सारे फॉर्मूलाज ड्राइव करने वाले थे मैंने ड्राइव कर दिए हैं।
अब आप घर बैठ के यहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आप ट्राई करें। आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप नीट के, आप जेई के, आप मेंस एडवांस दोनों के, आप एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ट्राई करें। मैंने ये देखा है कि मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चन हैं प्रोजेक्टाइल में आते ही आते हैं। ऐसा कोई पेपर मैंने नहीं देखा, जितने पेपर मैंने पिछले 7-8 साल के स्कैन किए हैं, कोई ऐसा पेपर मैंने नहीं देखा जिसमें एक भी क्वेश्चन ना हो। कई बार क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल आ जाते हैं, लेकिन कई बार जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला क्वेश्चन था, वो बहुत ही मेरे को लगा करवाना चाहिए क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, हटके क्वेश्चन था, तो वो मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड्स आप ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें। और मैं अब आगे पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बाद हम एक बार फिर इनके न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। लॉज ऑफ मोशन जो है बेसिकली न्यूटन फिजिक्स जहाँ से बेसिकली शुरू होती मानी जाती है, तो हम वहाँ से वो शुरू करेंगे। तो आइए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक वेलोसिटी के साथ एक सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है लाइक दिस। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज सेम। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लेट अस से वी है, लेकिन हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे वी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे वी इस साइड है, इस पॉइंट पे वी जो है इस साइड है। अलॉन्ग दी टेंजेंट टू दी ट्रेजेक्ट्री अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी जो है डायरेक्शन पहले इस साइड है, फिर इस साइड है, फिर इस साइड है, फिर इस साइड है। बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन है इस मोशन में। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट दिस इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर पार्टिकल यहाँ पे लेटर से पी पॉइंट पे है, लेटर से थोड़ी देर बाद ये क्यू पॉइंट पे चला गया, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। लेटर से दिस इज डेल्टा थीटा, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू लेटर से पी क्यू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी रहेगी? दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और अगर मैं इसको लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो कर दूं, देन दिस विल बिकम डी थीटा अपॉन डी टी। ये एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी रहेगी? दैट विल बी सिमिलरली डी ओमेगा बाई डी टी। दिस विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वी और ओमेगा और आर में क्या रिलेशन है ये हम ड्राइव करेंगे। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितनी एक्ट कर रही है? सो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे करके ड्राइव करते हैं। आइए शुरू करें। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये रिलेशन ड्राइव करते हैं, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। लेट अस ड्राइव दिस रिलेशन। अगर पार्टिकल यहाँ पे है, लेट अस से दिस इज ओ, पार्टिकल पी से क्यू तक चला गया है, सो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट लेट अस से दिस इज एल, सो पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एल। पी क्यू की डिस्प्लेसमेंट जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा एल है। एंड आर्क पी क्यू, ये बाहर वाली आर्क है, दिस इज आर्क पी क्यू पी टू क्यू, एंड दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, दिस इज डेल्टा एल। सो मैंने कहा था एंगल डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क पी क्यू अपॉन रेडियस। एंड ओमेगा क्या है? ओमेगा है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1/ डेल्टा टी इंटू आर्क पी क्यू अपॉन आर। अब आर्क पी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सो वेलोसिटी वी इज गिवन बाय लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी जो फ्रैक्शनल टाइम है। दिस इम्प्लाइज डेल्टा एल इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। अगर बहुत कम हमारा टाइम इंटरवल बहुत कम है, डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल, जैसे मैंने कहा था लिमिट अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन जो आर्क पी क्यू है एंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट पी क्यू है, डिस्प्लेसमेंट पी क्यू दैट इज़ डेल्टा एल, वो बराबर हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट पी क्यू और आर्क अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। सो इसका मतलब हो जाएगा आर्क इज इक्वल आर्क पी क्यू की वैल्यू डेल्टा टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इस इक्वेशन में हम आर्क पी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 1/ डेल्टा टी इंटू आर्क पी क्यू इज डेल्टा एल ओवर आर। दिस डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये हमने वेलोसिटी निकाल रखा है, सो दैट इज इक्वल टू वी बाय आर। दिस इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा।
सो जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखा जाए तो वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस विद आर, और ये वेक्टर नोटेशन हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेट अस से इस पॉइंट पे हमारा जो आर है दैट इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, वी इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ओमेगा हमारा किस तरह, ये हमारा है वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। हम अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है वी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, वी इज परपेंडिकुलर टू आर, वी ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है, आर के भी परपेंडिकुलर है। एंगुलर जो वेलोसिटी है वो हमेशा हमारी इन दिस केस इस प्रकार से दी जाएगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, वो बाहर की तरफ एक्ट कर रही है। अगर मैं इसको राइट हैंड रूल से लूँ, राइट हैंड रूल में क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट इज, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट वेक्टर है अगर हम फर्स्ट फिंगर से करें, सेकंड वेक्टर को हम सेकंड फिंगर से करें, देन थंब विल गिव दी डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो वी की डायरेक्शन थंब से आएगी। सो अगर मैं करूँ ओमेगा इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन वर्टिकली दिस डायरेक्शन, आर इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, आर इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, देन वी इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, वी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, वी इसी प्लेन में एक्ट कर रहा है, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस विद आर। इसी प्रकार एंगुलर एक्सेलरेशन आप डिराइव कर सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल, लीनियर एक्सेलरेशन जो होगी दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर, ये हम ड्राइव कर सकते हैं। मैं जो आगे ड्राइव करने जा रहा हूँ वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी स्क्वायर बाय आर, या हम इसको कह सकते हैं आर इनटू ओमेगा द स्क्वायर। सो ये हम आगे ड्राइव करने जा रहे हैं, आइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंड आर का रिलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पे, लेट अस से ये पॉइंट पी है, पी के ऊपर जो वेलोसिटी एक्ट कर रही है वी, लेट अस से इसको वी वन कह दें, और यहाँ पे इस क्यू के ऊपर वी टू कह दें, वी वन वैक्टर दिस इज वी टू वैक्टर। देन अगर मैं इसको डायरेक्शन को अगर मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूँ, लेट अस से दिस इज वी वन एंड लेट अस से दिस इज वी टू, दोनों के पैरेलल अगर मैं ड्रॉ कर लूँ वी टू, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, डेल्टा थीटा ओनली, जो पहले हमारे जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उतना ही एंगल इन दोनों में चेंज होगा। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज गिवन बाय डेल्टा वी दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो एंगल इन दिस केस इज इक्वल टू आर्क, आर्क हमारी है इन दिस केस लेट अस से पी इज पॉइंट ए, ए डैश बी डैश, सो देन एंगल कितना होगा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड भी वी है, इसका मैग्नीट्यूड भी वी है, V1 का मैग्नीट्यूड एंड V2 का मैग्नीट्यूड जो है दोनों सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें वेलोसिटी हम सेम लेके चल रहे हैं, जस्ट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले इस पॉइंट पे ये इस तरफ है, Q पॉइंट पे इस तरफ है, आगे इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। सो अगर मेरा डेल्टा थीटा जो है एंगल, जो डेल्टा थीटा बिटवीन टू पॉइंट्स है, सो उनकी वेलोसिटीज़ में भी उतना ही एंगल है, उनकी वेलोसिटीज़ में भी उतना ही एंगल चेंज हुआ है जितना कि उसने डिस्प्लेसमेंट ली है। सो डेल्टा वी दैट इज़, अगर मैं इसको आर्क मान लूँ फॉर वेरी स्मॉल टाइम, डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो, वी कैन अज्यूम ए डैश बी डैश एज आर्क। सो अगर ए डैश बी डैश को हम आर्क मान रहे हैं तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इस केस में कितना है, दैट इज इक्वल टू वी। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, अगर मैं इसको दोनों तरफ टाइम से डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँ, दैट विल बिकम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू वन बाई वी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो ये हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई, ए सी इज इक्वल टू वी को मैं इस साइड ले गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज ओमेगा। सो ये हमारा आ गया, ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा। हमने कुछ नहीं किया, कोई पार्टिकल यहाँ पे पी पे था, यहाँ से क्यू में आ गया, पी से क्यू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई डेल्टा क्यू, वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, वेलोसिटी की जो एंगुलर चेंज होगा वो भी डेल्टा क्यू ही, डेल्टा थीटा ही होगा, जितना यहाँ पे चेंज हुआ है उतना ही यहाँ पे चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो p a डैश b डैश, यहाँ से जो वेक्टर डेल्टा v जो है ये हमने फाइंड कर लिया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस की वैल्यू है v, डेल्टा वी अपॉन वी, इसको हमने डेल्टा थीटा से डिवाइड किया, डेल्टा थीटा अगर बहुत छोटा है तो इसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रूव कर दिया वी ओमेगा। सो ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा की जगह मैं वी बाय आर लिख सकता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर हो गया। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ
आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, आर इंटू ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहूँ। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो डेल्टा वी की डायरेक्शन जो है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दी डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी। डेल्टा वी की डायरेक्शन में अगर वी इस तरफ एक्ट कर रहा है, वी इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो जो पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका सेंटर इस तरफ है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगी। दिस इज वी एट दिस पॉइंट, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इसकी इस तरफ होगी। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। सो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। ये आप देख सकते हैं, एक जो इसमें जेई के मेंस में सिंपल क्वेश्चन आया हुआ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, एक वो ट्राई करते हैं। आइए, सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड मेंटेन्स ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स स्पीड कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन एंड रेडियस? एक्सेलरेशन एंड रेडियस में क्या एक्सेलरेशन और रेडियस का रिलेशन इस प्रकार है कि एक्सेलरेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो हमारा रेडियस जो है कम होता जा रहा है, इस प्रकार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस? रेडियस जितना मर्जी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बढ़ रही है टाइम के साथ, रेडियस के साथ क्या एक्सेलरेशन बढ़ रही है, या क्या ये लीनियर रिलेशन है, क्या ये पैराबोलिक रिलेशन है या लीनियर रिलेशन है? तो हमने अभी ड्राइव किया था ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर या ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर या इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा। ये हमने अभी डिराइव किया है, ए इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा। ए यहाँ अगर ओमेगा की जगह वी बाय आर पुट कर दें, वी स्क्वायर बाय आर, सो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इन दिस केस कॉन्स्टेंट स्पीड है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मीन्स आर जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा ए हमारा डिक्रीज करता जाएगा। दिस इज द आंसर, और कोई भी इसमें से इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो ये बड़ा सिंपल था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था। अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो है हमारा अगर हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाए, अगर हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। अभी हमने जितने क्वेश्चन किए हैं या जितने हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, दैट इज़ अगर उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है। लेकिन वॉट इफ़ दी मैग्नीट्यूड इज़ ऑल्सो चेंजिंग? डायरेक्शन तो चेंज कर ही रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करना शुरू कर दे, उस केस में एक जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो भी आ जाएगा। अभी हमारी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अगर हमारा वेलोसिटी भी चेंज करना शुरू कर देगी तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा एक्सेलरेशन का, उसका मैं आपको एक सेकंड में और बता देता हूँ। ये तक हमने स्टडी किया है कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो यहाँ पे अगर उसकी वेलोसिटी वी ऐसे है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन अगर उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, सो देन इट इज़ नो लॉन्गर अ यूनिफॉर्म मोशन। फिर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, जो कि वेलोसिटी की तरफ एक्ट करेगा, ए टी जिसको टेंजेंशियल कंपोनेंट कहा जाएगा सेंटीपिटल। सो नेट हमारी एक्सेलरेशन जो होगी उस केस में, ए नेट हमारी इस तरफ एक्ट करेगी, ए विल बी गिवन बाय ए सी स्क्वायर सेंटीपिटल प्लस ए टेंजेंशियल कंपोनेंट स्क्वायर। सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन उस केस में भी क्या रहेगी? वी स्क्वायर बाय आर ही रहेगी। किसी टाइम पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे लग रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओवर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ये हमारा रहेगा। सो ये हमारा ओवरऑल एक्सेलरेशन उस केस में इतनी हो जाएगी। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म केस में, नॉन यूनिफॉर्म केस में हमारा ये नेट वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी। सो ये मैंने करवाना था। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ फिजिक्स का, और आगे आप चैनल से बने रहिए, मैं और भी क्वेश्चन करवाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।